रिट, न्यायाधीश क्या है? पहले न्यायाधीश ये जान लेते हैं। न्यायाधीश न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक आदेश है कि क्या किया जाना चाहिए या क्या नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इज अ जुडिशियल ऑर्डर इशूड और इसके तहत हम जानते हैं कि व्हाट टू डू और नॉट टू डू। इज अ काइंड ऑफ ऑर्डर इशूड बाय जुडिशियरी टू मेंशन व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू। रिट, रिट न्यायाधीश। ठीक है, ये अधिकार, रिट जारी करने का अधिकार दो लोगों को प्राप्त है, एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। यही दो कर सकते हैं और कोई न्यायालय नहीं कर सकता। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का मतलब क्या, औचित्य क्या है, मकसद क्या है, क्या पर्पस है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने 32 में ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार रखा है या फिर इसे हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये इसलिए है कि यदि आप भाग 3 में मौलिक अधिकार आपका हनन होता है, इफ इट इज वॉयलेटेड बाय द स्टेट या राज्य द्वारा आपके भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो संविधान ने स्वयं अनुच्छेद 32 में आपके मौलिक अधिकार के हनन या अतिक्रमण हो जाने की स्थिति में आपको एक और मौलिक अधिकार दिया अनुच्छेद 32 के तहत कि आप अपने मौलिक अधिकार को वापस लागू करवा सकें। सामान्य भाषा में ये कि आप अपने मौलिक अधिकार को वापस पा सकें और इसके लिए संविधान ने किसे नियुक्त किया है, ये शक्ति किसे दी अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट को। यदि आपका मौलिक अधिकार छिनता है तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकार को वापस प्राप्त करने के लिए, है ना। और अनुच्छेद 32 आप जानते हैं 12 से लेकर 35 तक आपका क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ठीक है, और 32 यही आ रहा है 35 के बीच में, मतलब इसका क्या अर्थ हुआ कि 32 भी आपका मौलिक अधिकार है। ये आपका मौलिक अधिकार है कि अनुच्छेद आपका यदि कोई भी मौलिक अधिकार जो आपको इनके बीच में है, जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको प्राप्त हैं वर्तमान में, यदि कोई भी इन्हें छीनता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आपको एक और मौलिक अधिकार प्राप्त है कि आप अपने उस मौलिक अधिकार को वापस प्राप्त करने के लिए सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सके। ठीक है, इन केस ऑफ योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड और इंक्रोज्ड बाय द स्टेट, यू हैव दिस फंडामेंटल राइट आल्सो अंडर आर्टिकल 32 टू मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स इन्फोर्समेंट। देखिए, अनुच्छेद 32 ये जो सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी कर सकता है, ठीक है, ये जो रिट जारी कर सकता है ये किसके संबंध में, आपके मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट का हनन होता है तभी सर्वोच्च न्यायालय में आपको रिट जारी कर सकता है। और ये कितने प्रकार के हैं, पांच प्रकार के रिट जारी कर सकता है। रिट को हम कहते हैं न्यायाधीश। तो यदि आपका मौलिक अधिकार छिनता है तो सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है, पांच। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 आपका स्वयं मौलिक अधिकार है, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकार छीने जाने की स्थिति में यदि आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट आपको इस रिट न्यायाधिकार का या इस रिट जुरिस्डिक्शन का संभाल करने से मना नहीं कर सकता, है ना। आर्टिकल 32 स्वयं आपका मौलिक अधिकार है कि आप अपना मौलिक अधिकार वापस प्राप्त कर सकें। और यदि आपका मौलिक अधिकार छीनता है तो संविधान ने इसका उपचार भी किस में दिया है, अनुच्छेद 32 में दिया है। और इसका प्राधिकार अथॉरिटी किसको बना दिया है, सुप्रीम कोर्ट। तो जब आर्टिकल 32 आपका स्वयं मौलिक अधिकार है तो आप जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे आपके मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में, इंक्रोचमेंट की स्थिति में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट बाध्य है आपके मौलिक अधिकार का रक्षण के लिए,
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक और गारंटर कहा जाता है ना। दिस इज द रीजन व्हाई सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिनाई योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32। दिस इज द रीजन व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ योर फंडामेंटल राइट। समझ गए? क्योंकि अनुच्छेद 32 स्वयं आपका मौलिक अधिकार है, इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट न्यायाधिकार का प्रयोग करने से सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। यहां तक क्लियर है? ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को भी मौलिक अधिकार से संबंधित रिट जारी करने का, 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। ये जो रिट कॉमन है, ये कॉमन है ना, ये रिट मौलिक अधिकार के संबंध में हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है ना। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति दी गई है और 226 के तहत। तो 226 क्या आपका मौलिक अधिकार है? नहीं। 226 अनुच्छेद 226 आपका मौलिक अधिकार नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार से संबंधित रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है, यह इसका विवेकाधीन शक्ति है, डिस्क्रिशनरी पावर। क्या कहते हैं इसे हम? डिस्क्रिशनरी पावर। मतलब यह मना कर सकता है, हाईकोर्ट मना कर सकता है। वो अलग चीज है, मैं आ रहा हूं उस पे कहां पहुंच गए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है कि मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में दो प्राधिकारियों को या दो न्यायालय को यह अधिकार है, और न्यायालय में भी किसको है? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 232 के तहत और हाईकोर्ट 226 के तहत। कॉमन चीज क्या है कि दोनों आपका अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत। यदि आपका मौलिक अधिकार छीनता है तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो 32 के तहत सीधे, या फिर 226 के तहत आप हाईकोर्ट जा सकते हो। अंतर यह है कि अनुच्छेद 32 जो है आपका स्वयं एक मौलिक अधिकार है, तो आप सुप्रीम कोर्ट सीधे जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता, है ना। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत आप पहले हाईकोर्ट गए कि जज साहब मेरा मौलिक अधिकार छीना गया है, और अगर वो मना कर सकता है, क्या कोई कारण देके मना कर सकता है? क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 226 आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ये यहां क्लियर है। और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 को संविधान का मूल ढांचा कहा है, संविधान का मूल ढांचा कहा है, माना है। मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। इन अ केस सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड आर्टिकल 32 एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज इट मीन? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि अनुच्छेद 32 को संविधान संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता। आप ये जानते हैं केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधान के मूल ढांचे हैं, आप संविधान में संशोधन, संविधान का हर भाग संशोधित किया जा सकता है। एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड प्रोवाइडेड इट शुड नॉट एनक्रोच इट्स बेसिक स्ट्रक्चर और इट शुड नॉट वायलेट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। और ये कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। संविधान में मूल ढांचा क्या है इसका उल्लेख नहीं है। कौन तय करता है? न्यायालय तय करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अनुच्छेद 32 संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या कि अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, वो उस पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट का रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये समझ गए। अब ये देखो, आजकल क्वेश्चन ऐसे ही आता है, कूट में आएगा और कूट में इसी तरह से डाल दिए जाते हैं इनमें से क्या सही है क्या नहीं है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी तक आपने ये बाकी जितने भी बताया क्लियर है? ठीक है, चलिए। लेकिन एक और चीज मैं बताता हूं आपको, रिट जुरिस्डिक्शन, एज फार एज रिट जुरिस्डिक्शन इज कंसर्न,
द रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब रिट न्यायाधीश जारी करने का अधिकार क्षेत्र हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने के न्याय क्षेत्र से या अधिकार क्षेत्र से ज्यादा बड़ा है। मेरे ऐसे कहने का अर्थ क्या हुआ? हाँ, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में 5 रिट जारी कर सकता है। जहां समझ में नहीं आएगा मनीष, अभी तक क्लियर है? मौलिक अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में हनन की स्थिति में 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है ना। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकार के हनन के संबंध में ये 5 रिट जारी कर सकता है, लेकिन प्लस ये अन्य अधिकारों या मैं बोल दिया कि विधि अधिकार, कौन से अधिकार? विधिक, लीगल राइट्स, विधिक अधिकारों या लीगल राइट्स प्लस अन्य अधिकार, या इसे कहिए आप विधि अधिकार, विधिक अधिकार, या कहें आप लीगल राइट्स, लीगल राइट्स यदि आपका छिनता है तो भी हाई कोर्ट इनके लिए भी रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जहां तक रिट क्षेत्राधिकार की बात है, रिट ज्यूरिडिक्शन की बात है, तो हाई कोर्ट्स पावर इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। उल्टा लगता है ना, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है, लेकिन रिट ज्यूरिडिक्शन के मामले में ऐसा है। ठीक है, ये क्लियर है तीसरा फैक्ट। चलिए, अब हमें चलना है और हमें देखना है कि कितने प्रकार के रिट है और उसकी खासियतें क्या क्या है। ठीक है, चलिए, रिट न्यायाधीश रिट, पहला रिट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे कहते हैं हम हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, तो पहला प्रकार का रिट एक हैबियस कॉर्पस। अब हमें इसे देखना है कि इसकी जो खास बातें हैं, अपने शीट में देखिए, अपने नोट्स में देखिए, आपको जो मिला याद क्या बोलता है। अच्छा, एक और, इससे पहले इसके अपन जान जाएं, को प्रस्तुत करें किया जाए, को प्रस्तुत किया जाए, इसका शाब्दिक अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए, और इंग्लिश में टू हैव द बॉडी ऑफ, to have the body of, मान लीजिए जैसे ये श्रद्धा और तेरे को किडनैप लड़की से करवाता हूं, उषा कोई किसी खास दुश्मनी की वजह से श्रद्धा को बंदी बना लिया है उषा ने कहीं, और सबको शक है, हो सकता है कि उषा के घर वालों को नहीं पता हो लेकिन आप लोगों को पता है, या इसकी सहेली को पता है, और या भविष्य में हस्बैंड होगा तो हस्बैंड को भी पता है। ऐसे मान ले, पगली माने में कहा जाते, तो बंदी बनाया है। तो एक चीज हो, हैबियस कॉर्पस, ये रिट सुप्रीम कोर्ट तभी जारी, अच्छा बंदीकरण जैसे नाम से लग रहा है आपको, तो आप एक बार अपने नोट्स को पढ़िए, बोल रहा है या उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है, किसी व्यक्ति को किसी ने हिरासत में रख लिया, तो हिरासत में रख लिया, तो ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है और कोई
शासकीय प्राधिकारी भी हो सकता है, पब्लिक अथॉरिटी भी हो सकता है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई पब्लिक अथॉरिटी भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, थाना, थाना ठीक है, तो किसी कोई भी, या तो कोई व्यक्तिगत व्यक्ति, निजी व्यक्ति, या फिर कोई जो सरकार द्वारा संचालित जो प्राधिकार दिया गया है जिसे, जैसे थाना, अगर ये दोनों में से कोई भी किसी को बंदी बना लेता है लेकिन विधि के विरुद्ध, बंदी बनाया जा सकता है लेकिन विधि के सम्मत, है ना, अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर थाना आपको किसी क्राइम करने पर या किसी उच्च लॉ के तहत उसने आपको बंदी बनाए रखा है तो ये जारी नहीं होगा। अगर लॉ के तहत डिटेंशन होता, हिरासत में रखा जाता है आपको, तो ये जारी नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यदि विधि के विरुद्ध जाकर किसी निजी व्यक्ति ने, या फिर किसी, क्या लिखा है देखो, लोक अधिकारी या लोक प्राधिकरण, है ना, सार्वजनिक प्राधिकरण, मतलब कोई ऐसा बॉडी भी हो सकता है ना जिसको अथॉरिटी मिली हुई, जैसे थाना, थाना एक बॉडी हो गया और इसको अधिकार है हिरासत में रखने का, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति या सार्वजनिक प्राधिकरण या किसी लोक अधिकारी ने विधि के विरुद्ध जाकर उसे बंदी बनाए रखा है, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी ना, कौन जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंटरेस्टेड व्यक्ति, कोई भी सहेली, दोस्त, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, कोई भी जा सकता है, ये चला गया वहाँ पर और इसने बोला सुप्रीम कि मेरे फलाना को बंदी बना के रखा गया है जबरन, तो यदि सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और जांच में पाता है कि वो वास्तव में वो जो बंदी बनाया गया उसके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट जांच की पुष्टि के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस इशू कर देगी। इसका अर्थ क्या होगा कि जो संबंधित व्यक्ति, जो कहा गया है या प्राधिकारी को कहा गया है, 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में सशरीर उपस्थित करो, ठीक है। इफ सुप्रीम कोर्ट इशूज दिस रिट हैबियस कॉर्पस, इट मींस इट इज एन ऑर्डर टू दैट पर्सन हु हैज डिटेन्ड समबडी और टू दैट पब्लिक अथॉरिटी हु हैज डिटेन्ड समबडी to bring that person, detained person, in front of the court within 24 hours. समझ में आया? कोई किसी उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि सारे रिट आदेश के रूप में ही होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मतलब आदेश ही है, ठीक है। तो इसके बारे में खास क्या क्या चीजें हमने देखी, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, इसका अच्छा ये लैटिन नेम है, सारे रिट के जो नाम है दे आर लैटिन नेम्स, तो उसका लिटरल अर्थ भी यहां दिया हुआ, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, को प्रस्तुत किया जाए या टू हैव द बॉडी ऑफ, और ये किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है, किसके, निजी व्यक्ति, निजी व्यक्ति प्राइवेट इंडिविजुअल या सार्वजनिक प्राधिकरण या सार्वजनिक अधिकारी, हम इसे क्या बोलेंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर पब्लिक, सार्वजनिक को क्या बोलते हैं अपन, पब्लिक अथॉरिटी और पब्लिक ऑफिशियल, इसके विरुद्ध जारी हो सकता है, ये जानकारी समझ में है, किसके विरुद्ध जारी हो सकता है ये वाला रिट, केवल निजी व्यक्ति, सार्वजनिक प्राधिकरण या अधिकारी, मतलब आप किसी कोर्ट के लिए ये रिट इशू नहीं हो सकता, इसका अर्थ ये भी होता है, किसी विधानमंडल के लिए के खिलाफ ये रिट इशू नहीं हो सकता, किसी संसद के खिलाफ ये रिट इशू नहीं हो सकता, केवल ये याद रखना आपको, निजी व्यक्ति, सार्वजनिक प्राधिकरण, ठीक। और कौन हैबियस कॉर्पस ये रिट फाइल कर सकता है, कौन, एनीबॉडी, कोई भी इच्छुक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, ठीक है। तो कौन फाइल कर सकता है इसे, कोई भी, ये याद रखिएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड वन। दूसरा वाला है परमादेश को बोलते हैं अपन मैंडमस, और मैंडमस का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है, आदेश, हम आदेश
देते हैं, ये शाब्दिक अर्थ हुआ इसका इंग्लिश में, वी कमांड। ठीक, अरे जी ये गड़बड़ हो जाएगा, कोई भी को कहां ले जाएं, इधर ले जाते हैं ना, कौन फाइल कर सकता है, कोई भी। चलिए परमादेश एक बार पढ़िए इसको अपने नोट्स में। यह न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक नियंत्रण है जिसे लोक अधिकारियों एवं न्यायिक अधिकारियों को जारी किया जा सकता है। मतलब इसकी खास बात क्या है, किसे, लोक अधिकारी मतलब पब्लिक ऑफिशियल, लोक अधिकारी या न्यायिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, लोक अधिकारी पब्लिक ऑफिशियल, और ये क्या हुआ जुडिशियल ऑफिशियल। तो किसके विरुद्ध ये वाला रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, लोक अधिकारी या न्यायिक अधिकारी। ठीक, क्या बोलता है कि जिसके द्वारा उन्हें अपने कार्य या कर्तव्य का पूरा करने को कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, नियंत्रण है, वी कमांड को हिंदी में क्या कह रहे हैं, नियंत्रण। परमादेश न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक नियंत्रण मतलब आदेश है, आदेश है किसको, किसको विरुद्ध जारी किया गया, लोक अधिकारी या न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध। और इस आदेश के माध्यम से, इस रिट के माध्यम से क्या आदेश जाता है कि चाहे वह लोक अधिकारी हो या न्यायिक अधिकारी हो, यदि वो उसका जो कार्य है, यदि उसका जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, अगर उसको किसी प्रकार से वह पूरा ना कर पाया हो या उसने पूरा करने से मना किया हो, तो इस आदेश का अर्थ होता है कि आप अपना कर्तव्य पूरा करें, यह हमारा आदेश है। समझे आप, मैंडमस क्या है, यह न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश है लोक अधिकारी या न्यायिक अधिकारी को, जिसके तहत उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने को कहा जाता है, जिसे, जिस कर्तव्य को वह किसी कारण से विफल हुआ हो करने में, या फिर उस कर्तव्य को उसने करने से मना कर दिया। यहां तक क्लियर है, ध्यान देने वाली बात क्या, किसके विरुद्ध हो सकता है, और एक और चीज, कौन फाइल कर सकता है इसे, पीड़ित व्यक्ति, ये ध्यान रखना है, कौन फाइल कर सकता है, ये पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, aggrieved, aggrieved person। इसके लिए टर्म यूज होता है, पता है aggrieved person इसके लिए क्या होता है, locus standi, उसे पीड़ित व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, locus standi लैटिन है ये, locus standi। परमादेश क्लियर है एवरीबॉडी, आइए तीसरा। अच्छा एक और आपके, ये कहीं लिखा नहीं है लेकिन मेरा अंदेशा है कि ये बन सकता है प्रश्न, तो मैंने लिख दिया है कि यह केवल किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। आपको यदि मैं प्रश्न बनाऊं तो मैं बोल दूंगा कि भैया बताइए परमादेश इनमें से किनके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, मैं ऑप्शन में डाल दूंगा राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, और ये दोनों डाल दूंगा। तो मैंडमस राष्ट्रपति, राज्यपाल, कार्यपालिका, विधानपालिका, ये किसी के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता, केवल दो लोगों को, दो लोक अधिकारी या न्यायिक अधिकारी। समझ गए आप, चलिए उसके बाद तीसरा। हाँ इट कैन बी है ना, कॉर्पोरेशन मतलब पब्लिक अथॉरिटी तो है ना। अरे मान लो तुम्हारा सेल है, सेल है, सेल सरकारी उपक्रम है ना, पब्लिक अथॉरिटी, उसको लेना है। यहाँ लोक अधिकारी का मतलब यहाँ पे वो व्यक्ति भी हो सकता है और वो संस्था भी हो सकती है। ठीक है, आपके नोट्स में है वो क्लियरिटी। आइए तीसरा क्या है, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, और इसका मतलब क्या है इंग्लिश में, टू फॉरबिड, और इसमें क्या है हिंदी में, रोकना। और ये किसके खिलाफ इश्यू हो सकता है, किसके खिलाफ,
है। देखो पहले सुनो, सुनो पहले इसका क्या होता है प्रतिषेध। ये जो रिट है प्रोहिबिशन या प्रतिषेध, यह वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने से निम्न न्यायालय अधीनस्थ या निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है। ठीक है, ये रिट, पहली खास बात क्या कि यह रिट प्रतिषेध यह वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स या फिर निम्न न्यायालय के विरुद्ध जारी होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट किसके लिए इशू कर सकता है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट किसके लिए कर सकता है, अपने नीचे वाले कोर्ट के लिए कर सकता है ना, जो ऊपर वाला होगा वो अपने से नीचे वाले न्यायालय को कर सकता है। ठीक, चलिए तो यह पढ़ो इसको, देखो यह रेट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण, अधिकरण जानते हो ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण तो किसके किसके खिलाफ हो सकता है ये जारी, अधीनस्थ न्यायालय किसके विरुद्ध, अधीनस्थ न्यायालय सबॉर्डिनेट कोर्ट्स या फिर अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण दोनों को क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स, और इसे कहते हैं अपन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। और कौन इशू करेगा, वरिष्ठ न्यायालय, ऊपर वाला बड़ा वाला वाला न्यायालय। ठीक है, चलो मकसद देखिए आप, यदि वरिष्ठ न्यायालय इस रिट का इशू, इस रिट को जारी करता है, इसका अर्थ यह होगा अधीनस्थ न्यायालय को जारी करेगा या किसको करेगा, अधिकरण को, ट्रिब्यूनल्स को इसको जारी करेगा, तो ये उसे अपने जुरिडिक्शन क्षेत्र, अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है, रोक देगा। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को मालूम चलता है कि हाई कोर्ट कोई भी जो उसको अधिकार नहीं है, जो उसके जुरिडिक्शन क्षेत्र में संविधान ने दिया ही नहीं उसको, ठीक है, वहां पे घुसने की कोशिश कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को जो कोई या तो फाइल करे या तो सुप्रीम कोर्ट सिव मोटो भी ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करेगा, पहले जानेगा, हाई कोर्ट को ये रिट इशू कर देगा, इसका मतलब क्या होगा, देखो भैया आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, रुक जाइए, और सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा वो तो देश के सारे न्यायालयों को मानना पड़ेगा, अगर नहीं माना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, है ना, ये जानते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को जारी किया गया आदेश है, जिसके तहत, जिसके तहत उन्हें यदि वे अपने अधिकार क्षेत्र से, यदि वे अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे रोकने के लिए इस प्रकार का रिट जारी किया जाता है। समझ गए आप, जुरिडिक्शन एरिया क्लियर है। अब मान लीजिए हाई कोर्ट का जो वो उसका अधिकार क्षेत्र है ही नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन हाई कोर्ट उसमें घुस रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कौन सा रिट जारी करेगा, ये वाला, रुक जा ये तेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, रुक, रोकने के लिए होगा ये। ठीक है, समझ गए आप। और कौन कर सकता है, कौन इसे फाइल कर सकता है, पीड़ित व्यक्ति, इसे भी कौन फाइल कर सकता है, पीड़ित व्यक्ति। अब खास बात यहीं पे बोल रहा है, ये केवल अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरण को हो सकता है, क्या लोक पब्लिक ऑफिशियल को हो सकता है, पब्लिक अथॉरिटी को हो सकता है क्या भैया, ये तो सीधे सीधे यही कह रहा है ना, न्यायालय को और अधिकरण को कर सकता है, मतलब लोक अधिकारी को नहीं किया जा सकता, मतलब संसद को नहीं किया जा सकता, राज्यपाल राष्ट्रपति को नहीं किया जा सकता, समझ गए, ये केवल और केवल न्यायालय को किया जा सकता और अधिकरण को किया जा सकता, क्लियर है। पीड़ित व्यक्ति बोल रहे हैं, हाँ, तो अभी आप बोले सी मोटो में भी हो सकता है, नहीं सी मोटो नहीं, इसमें इसमें सी मोटो नहीं लेगा, इसमें पीड़ित व्यक्ति जो करेगा, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास सी मोटो पावर है भैया, सी मोटो भी वो खुद भी ले सकता है, लेकिन अगर मान लो जो पीड़ित व्यक्ति करेगा, ऐसा नहीं है कि जो है कोई भी व्यक्ति कर सकता है, मतलब मान लो हाई कोर्ट किसी के केस में अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उसका दोस्त यार या उसका पड़ोसी नहीं कर सकता, या तो वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, आइए चौथा, क्लियर है, चौथा है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण इसे कहते हैं हम सर्शरी,
CERTIORI सर, टी ओ री मत पढ़ना, इट इज प्रोनाउंस एज सर्शरी, सर्शरी है ना, सरसरी, सुरसुरी, सर्शरी। ये भी इसका अर्थ क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, प्रमाणित होना या सूचना देना, इसका शाब्दिक अर्थ ये है, ठीक है। और ये भी इन्हीं दोनों के खिलाफ हो सकता है, ये भी अधीनस्थ सेम है ना, अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, और ये भी केवल ये अलग है, पीड़ित व्यक्ति। है ना, जो व्यक्ति प्रभावित हो रहा है किसी मामले में वही कर सकता है, ठीक। चलिए, और यह भी क्या है कि यह इस प्रकार का रिट भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को जारी किया जाता है, लेकिन कब, यदि अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण ने अपने न्याय क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय दिया है, तो उस निर्णय को, यदि ये वरिष्ठ न्यायालय इस रिट को जारी कर देता है, मतलब उसके द्वारा जो निर्णय वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिया, उस वो निर्णय रद्द कर दिया जाता है, वह निर्णय रद्द कर दिया जाता है, और या फिर निर्णय को या फिर उस फाइल को वरिष्ठ न्यायालय अपने पास हस्तांतरित करवा लेता है। समझ गए, दोनों में डिफरेंस देखिए। ये निर्णय देने से पहले, मतलब अधिकार क्षेत्र क्रॉस करने से पहले ये जारी होता है, ठीक, और ये अधिकार क्षेत्र क्रॉस करने के बाद भी हो सकता है, ठीक है। अधिकार क्षेत्र क्रॉस कर दिया मतलब इसका काम क्या, निर्णय देना, और इसने निर्णय दे दिया जो उस मामले में निर्णय दे दिया जिसमें हाईकोर्ट का, मतलब उस न्यायालय का जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, उसका पावर ही नहीं है, अथॉरिटी ही नहीं है, और उसने निर्णय दे दिया, और अगर निर्णय दे दिया तो इस रिट के जारी होने पर क्या होगा, वो निर्णय रद्द कर देगा, रद्द कर देगा, और अगर निर्णय, और या फिर क्या कर सकता है, उस केस का फाइल, वो केस अपने पास बुला लेगा। हाई कोर्ट छोटे न्यायालय के मामले में ऐसा कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामले में ऐसा कर सकता है। समझ गए, ठीक है, क्लियर है, दोनों में अंतर। यहां पे अधिकार क्षेत्र से जाने से रोकने के लिए है ये, और ये जब वो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके जब कुछ कर देता है तब ये वाला रिट जारी होगा। समझ में आया। और पांचवा है क्यो वारंटो, आ रहा है ये ब्लैकबोर्ड में। पांचवा है अधिकार पृच्छा, इसे कहते हैं अपन क्यो वारंटो, वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, किस अधिकार से या फिर किस प्राधिकरण, किस नहीं, किस वारंट से, हाँ, आपका क्या वारंट है, और क्या है, बाय विच, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, ठीक है। अब ये किसके खिलाफ इश्यू होता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है, केवल नहीं, किसके खिलाफ रे, सार्वजनिक अधिकारी या लोक अधिकारी, कोई भी सरकारी नौकरी में जो पद पे है कोई भी। और देखो कब जारी होता है ये, और इसको कौन कौन कर सकता है, कोई भी फाइल कर सकता है, पीड़ित नहीं है कोई भी, ये और ये बस है, बाकी सब पीड़ित व्यक्ति है तीनों, ठीक है। ऐसे तो याद रहेगा, केवल पहला वाला और अंतिम वाला कोई भी है, बाकी बीच में पीड़ित व्यक्ति है। अधिकार परीक्षा, सो व्हेन दिस रिट इज इशूड क्यो वारंटो, मान लीजिए कि श्रद्धा ने, नहीं मान लीजिए कुंदन, मान लो कुंदन ने 12वीं के मार्कशीट में हेर फेर किया है और ये श्रद्धा को पता है,
और श्रद्धा को, इसको कुंदन को नौकरी मिल गया, मतलब फॉर्जरी के तरीके से इसने वो नौकरी ली है। अब ये नौकरी में लग गया था, श्रद्धा लग पचत नहीं रही, मतलब कैसे, क्योंकि इसको पता है, जैसा अभी यहाँ के शिक्षा कर्मी एग्जाम में हुआ था पहले, बहुत लोग पकड़ाए। श्रद्धा पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, बोला फलाना व्यक्ति है, उसकी जाली मार्कशीट है, उसने गलत तरीके से वो सार्वजनिक पद हथियाया। कोर्ट जांच करेगी और जांच में पता चला कि वाकई में श्रद्धा सही बोल रही है, तो फिर क्या होगा, अगर उस न्यायालय ने अधिकार परीक्षा रेट जारी किया, मतलब इसे उस पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, इफ दिस रेट इज इश्यूड इट मीन्स दैट पब्लिक ऑफिशियल इज स्टैंड्स रिमूव्ड फ्रॉम हिज पब्लिक पोस्ट, सरकारी पद से हटा दिया जाएगा। और कौन कर सकता है, कोई भी। आइस कहीं दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? न्यायिक अधिकारी में कौन कौन आएगा? न्यायिक अधिकारी, हाँ यहाँ पे एक बात ध्यान रखेगा, न्यायिक अधिकारी का मतलब यहाँ पे जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो शामिल नहीं होता, उसके नीचे सब शामिल होंगे। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो जज होते हैं ना, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, वो शामिल नहीं होते। ठीक है, सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक प्राधिकरण कोई भी सरकारी दफ्तर, हाँ वही अधिकारी, हाँ अधिकारी, जैसे थाना, मान लो सरकारी प्राधिकरण या लोक अधिकारी की बात कर रहा हूँ, थाने का TI लोक अधिकारी और वो थाना सरकारी प्राधिकरण है, है ना, ऐसे समझो इसको। और कोई समस्या? अधिकरण ट्रिब्यूनल्स, हाँ ये हुआ ट्रिब्यूनल्स। देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और न्यायालय में आपको पता है कि पहले क्या हो रहा था, बहुत केसेस, बहुत ज़्यादा केसेस हो जा रहे थे, तो इन लोगों ने क्या किया कि कुछ कुछ मामलों के लिए ये व्यवस्था की, संविधान में ये भाग जोड़ा गया, कौन से भाग में, 14A याद आ रहा है, अधिकरण ट्रिब्यूनल्स है, ट्रिब्यूनल्स है, हाँ तो ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था, मतलब न्यायालय से हटकर एक न्यायिक संरचना का निर्माण किया गया, जैसे रिटायर्ड जज वज इसमें रखे जा सकते हैं इस अधिकरण में, कि भैया है ना, वो जज वज क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए, मान लो दो नदियों के बीच में विवाद चल रहा है, तो क्या वो नदियों के विवाद के लिए अगर मान लो न्यायालय बिजी है तो क्या करेंगे, वो ट्रिब्यूनल, वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एक बना दिया गया, समय समय पर बनाया जाता है, स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, तो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया, तो दो राज्य जब कहाँ जाएंगे, पहले यहाँ जाएंगे, और फिर ये इनको न्यायिक शक्ति प्राप्त होती है, ये उसका निर्णय कर सकते हैं। इसी प्रकार फैमिली डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, मतलब बहुत सारे ट्रिब्यूनल तरह तरह के मामले की, इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे न्यायालय का बोझ और लोड कम हो रहा है। ठीक है, और ये संवैधानिक संरचनाएं हैं, लेकिन न्याय को मानना बाध्य है, हाँ क्यों बाध्य, क्यों नहीं, बिल्कुल वैसे ही अपील करना पड़ेगा, अपील कर सकता है वो, उसके बाद वो निर्णय दे सकता है। ठीक है, हाँ वो लोक अदालत वाला कॉन्सेप्ट अलग है ना, वो जो लोक अदालत वाले में घूमा था, लोक अदालत में यदि अर्जी दे दी और लोक अदालत ने निर्णय दिया तो वहां से अपील नहीं कर सकते आप, वहां अपील खत्म हो जाता है आपका। ठीक है, तो अगर ये गलत निर्णय दे देगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कौन, ट्रिब्यूनल में अगर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अग्रीव्ड मतलब अब उनको निर्णय है, विवाद थम नहीं रहा, तब जाएंगे, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट रेट।